देखिए फायदे कितने भगवान के कीर्तन में नृत्य करने के फायदे। पहली बात तो भगवान देखेंगे, अरे हरि नाम कीर्तन हो रहा है, मेरे नाम का कीर्तन हो रहा है। कलयुग में तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, भजन करने की बहुत सारी विधियां हैं और उसमें जो टॉप मोस्ट नो है उसमें से भी जो सबसे अच्छी है वह है नाम संकीर्तन। तो जो नाम संकीर्तन में भाग लेगा तो निश्चित रूप से भगवान कहते हैं मैं वहां पर उपस्थित हो जाता हूं। अर्जुन को कहा, नारद जी को बोला भगवान ने, भगवान ने कहा ना अहम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। योगी नाम हृदयेषु वा, योगियों के हृदय में भी नहीं। अच्छा जी, ना ऊपर है ना योगियों के हृदय में, तो कहां पर है? तो भगवान कहते हैं यद गायन्ति मत भक्ता, जहां पर मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं नृत्य करते हैं तत् तिष्ठामि नारदा, हे नारद मैं वहां रहता हूं। बोली हरे कृष्णा। तो भगवान ही नहीं, यहां पर भगवान के और अवतार और साथ ही साथ समस्त देवी देवता गण भी होंगे। इससे पिछले युगों में जब यज्ञ किए जाते थे तो देवता लोग वहां पर उपस्थित होते थे अपना अपना भाग लेने के लिए। 5000 साल पहले भी जब युधिष्ठिर महाराज यज्ञ किया करते तो देवतागण आते थे नीचे। कलयुग का यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जब हम लोग संकीर्तन यज्ञ कर रहे हों तो ये देवता उपस्थित ना हो? हाँ, वो बात अलग है कि अभी हमारी आंखें हमारी शुद्धता इतनी नहीं है, प्योरिटी इतनी नहीं है कि हमको साक्षात देख सके, लेकिन वो तो हमें देख रहे होंगे, वो देख रहे होंगे कुछ संकीर्तन में आए हैं और कई लोग बिल्कुल फ्रीज बैठे हैं ऐसे, और कुछ लोग तो बहुत उत्साह से नृत्य कर रहे हैं। इसलिए देवता लोग स्वर्ग में बैठ के क्या बोलते हैं, हे भगवान हमें अगर अगला जन्म देना तो कहां देना? A5 के ब्लॉक। निश्चित रूप से भागवतम में लिखा है, देवता लोग बोलते हैं भगवान अगर हमें अगला जन्म दो आप तो पृथ्वी पर देना, लेकिन कहां पर? भारत भूमि पर देना। क्यों भाई भारत भूमि में? ऐसा क्या है भारत भूमि में? भगवान जितनी बार भी आए हैं इस पावन भारत भूमि में ही आए, यहां पर गली गली में भगवान के नामों को सुनने को मिल जाता है, कथा चल रही है कहीं ना कहीं। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं ताकि हम लोग जब आए तो कम से कम भगवान आपकी कथा सुन पाए, आपका नाम में आनंद ले सके। तो देवताओं की प्रार्थना है श्रीमद् भागवतम में ऐसी। तो जब वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं और हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि पृथ्वी पर प्रकट हो गए, तो निश्चित रूप से हमारा बड़ा भाग्य है, तो उसका पूरा का पूरा फायदा उठाना चाहिए। बोली हरे कृष्णा। तो माताओं से भी प्रार्थना है कि सभी लोग पूरे उत्साह के साथ भगवान के कीर्तन में सम्मिलित हों। बच्चे देखे कितना सुंदर ड्रेसिंग करके आए और सुंदर सबसे आगे सबसे पहले तैयार थे। बोली हरे कृष्णा। तो बताया जाता है जब भगवान के कीर्तन में ताली बजाई जाती है तो हमारे हाथ की जो रेखाएं हैं, जो हमारे कर्मों के पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से तय हैं कि कब क्या क्या होना है हमारे साथ, क्या कष्ट आने हैं, क्या समस्याएं आनी हैं, तो जब क्योंकि भगवान के कीर्तन में तालियां बजती हैं ना, तो ये हाथ की रेखाएं भगवान बदल देते हैं और ऐसी बदलते हैं कि बाद में ना ये हाथ रहे ना लकीरें रहे। मतलब जब जन्म ही नहीं होगा तो हाथ ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जन्म होने के साथ ही हमारी सारी समस्याएं शुरू हो जाती है। होती है कि नहीं? पहले जन्म के कष्ट, फिर जीवन भर कमाने के कष्ट, दूसरों से कंपैरिजन के कष्ट, छोटा मकान बड़े मकान के कष्ट, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी के कष्ट, बुढ़ापे के कष्ट, बीमारियों के कष्ट और फिर मृत्यु के कष्ट। तो इन सब कष्टों से अगर हमेशा के लिए परमानेंट निजात पानी है तो क्या करना होगा? भगवान के कीर्तन में सम्मिलित होना पड़ेगा। एक छोटी सी चीज बताते हैं, क्योंकि कई लोग पूरा जीवन अपना इसी में लगा देते हैं। कॉलेज के कुछ बच्चों ने क्या किया, स्कूल की कॉलेज की छुट्टी के बाद उन्होंने बाहर निकले तो देखा कुछ बकरियां घूम रही हैं, तो तीन बकरियां उठाई और तीनों के ऊपर काउंटिंग लिख दी। एक पर लिख दिया 1, एक पर लिख दिया 2 और तीसरे पर लिख दिया 4 लिख दिया और वो तीनों बकरियां छोड़ दी कॉलेज में। अगले दिन सबसे पहले जब स्टाफ आया तो उनको स्मेल आई कहीं ना कहीं से, क्योंकि बकरी ने मल त्याग दिया, तो उनको लगा ये किसने कर दिया, कहां से आ गई। ढूंढना शुरू किया
तो देखा एक बकरी मिल गई। कहते रहे बकरी कॉलेज के अंदर, इससे पहले कि सर आए, बॉस आए, डीन साहब आए, डायरेक्टर्स आए, उससे पहले बकरियां साफ करो भैया, ढूंढो। एक बकरी मिल गई सर, एक और मिल गई। कौन सी मिली? सर मेरे पास नंबर एक है, तुम्हारे पास? सर दो मिल गई, और ढूंढो और भी होंगी। लोग आए, स्टाफ और आने लगा। कहते क्या हो गया? कहते बकरियां हैं यहां पर, वो ढूंढ रहे हैं। सर चार नंबर वाली मिल गई, एक रह गई। सर कौन से नंबर वाली? सबने ढूंढना शुरू कर दिया। टीचर्स आ गए, डीन आ गए, डायरेक्टर आ गए, कैंटीन वाले आ गए। क्या हो गया? बकरियां यहां पर, एक मिल गई, एक रह गई है, बाकी सारी मिल गई। सब ढूंढ रहे हैं, कोई ऑफिस में, कोई टॉयलेट में, कोई कैंटीन में। स्टूडेंट्स भी आ गए, स्टूडेंट्स भी ढूंढने लगे। तो वो बकरी मिलेगी क्या? क्यों? क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसी तरह इस संसार में हमारी हालत है, हम भी क्या ढूंढ रहे हैं यहां पर? सुख ढूंढ रहे हैं, जो तीसरी बकरी के समान है। भगवान श्री कृष्ण ने भी लिख दिया भगवत गीता के 15वें अध्याय में, दुख आल्य अशाश्वतम। ये जो संसार मैंने बनाया है ये दुखाल्य है और टेम्पररी है। यहां पर दुख रहेंगे और हमेशा चीजें सीमित समय के लिए रहेंगी, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। और हम यहां क्या ढूंढते हैं? सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारी खोज है ये कभी पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए अगर आनंद चाहिए तो, सुख नहीं, आनंद, आनंद चाहिए तो भगवान के चरणों में मिलेगा, भगवान के नाम में मिलेगा। पार्वती जी ने जो प्रश्न किया था ना कि आप किसमें आनंद लेते हो, तो शिव जी ने क्या बताया था? मैं भगवान राम के, कृष्ण के नामों में आनंद लेता हूं। तो जो वो आनंद है, आनंदम बुद्धि वर्धनम, वो आनंद बढ़ता जाता है। इसलिए छोटे मोटे सुख दुख के चक्कर छोड़ो, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। तो क्या करना है हम लोगों को? आनंद में रहना है। बोली हरे कृष्णा। कितने लोग बकरी ढूंढेंगे? अरे बकरी ढूंढेंगे नहीं, ढूंढनी बकरी, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती। बोली हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। बोले 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 बोले, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा, हरे हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे,
वाले सभी लोग दादी को देखो जोर से बोले
कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna
Krishna Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram